एक अपडेट तो हमें अच्छी मिली थी कि चाइना में क्रिप्टो करेंसीज के ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। चाहे एक्सचेंजेस की बात करें या फिर किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की बात करें, वो सारे के सारे अभी फिर से एक्टिव हो चुके चाइना में। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि जेपेक्स एक्सचेंज जो है उसमें बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। कई सारे जो विड्रॉल्स लगे हुए हैं, विड्रॉल्स हो ही नहीं पा रहे हैं और उनके ऊपर जो फीस है वो हज़ारों डॉलर तक पहुँच गया विड्रॉल की। जैसे कि जनरली हम पे करते हैं 100 रुपये 200 रुपये फीस पे करते हैं विड्रॉल लेने के लिए वो ज़ीरेक्स के ऊपर, यहाँ पे $1,000 तक फीस ली जा रही है USDT की। तो एक्चुअल में कंप्लेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा आई हैं, जो कि $4.3 million की कंप्लेंट्स हैं वर्चुअल एसेट्स को लेकर। तो मैं आपको जेपेक एक्सचेंज के बारे में बताने वाला हूँ। इसी के साथ एक बुलिश मोमेंटम बन रहा है BTC का, $31,000 तक BTC पहुंचने वाला है। वो मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखते रहना, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं मैं टेलीग्राम के ऊपर डालता रहता हूँ, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलने वाली है। लेकिन BTC की बात करने से पहले अभी अगर हम बात करें यहाँ पे जेपेक्स एक्सचेंज की, तो आप सामने देख सकते हैं लिन ज़ोउ जो हैं वो जेपेक्स के केस में अभी अरेस्ट कर लिए गए हैं पुलिस के द्वारा। तो एक्चुअल में जो चाइना सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन है उनको सस्पिक्शन ऑफ फ्रॉड के लेकर इंक्वायरी आई थी, यानी कि कंप्लेंट्स दर्ज करी गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने जो जेपेक्स के रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। अब आपको लग रहा होगा कि मैं चाइना की न्यूज़ क्यों बता रहा हूँ आपको, हांगकांग की एक्सचेंज है लेकिन उसकी अपडेट्स आपको क्यों दे रहा हूँ। तो एक्चुअल में चाइना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पूरी क्रिप्टो मार्केट में, यानी कि अगर चाइना में क्रिप्टो करेंसीज को लेकर अगर ऑपरेशन सही चल रहे हैं, अगर चाइना बिल्कुल अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा है क्रिप्टो करेंसीज को, तो तभी हम ओवरऑल वर्ल्ड में जो जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके प्राइसेस में इंक्रीज देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल BTC की बात करें, तो BTC का प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो वो नीचे जाने का कारण भी सिर्फ यही है कि प्राइसेस नीचे गिर रहे हैं क्योंकि मार्केट में न्यूज़ ही और अपडेट्स ही सारी की सारी नेगेटिव आ रही हैं। अगर नेगेटिव नहीं आएगी तो मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है, जिस कारण मैं आपको यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम भी बताने वाला हूँ BTC का कि वो कैसे क्रिएट हो रहा है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं इस एक्सचेंज को लेकर। तो एक्चुअल में अभी 83 रिपोर्ट्स आई जेपेक्स एक्सचेंज को लेकर, जिसमें 34 मिलियन HK या फिर $4.3 million की इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है कि इतनी ज़्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर्स में मनी इन्वॉल्व है। क्योंकि यहाँ पे कई सारी डिफिकल्टीज आ रही हैं, जो भी इसके यूजर्स हैं फंड्स विड्रॉ नहीं हो पा रहे हैं, विड्रॉ की जो फीस है वो $999 तक पहुँच चुकी है। तो एक्चुअल में JPX एक्सचेंज ने और भी काफ़ी सारे फेक अनाउंसमेंट्स करे हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि ओवरसीज इनको लाइसेंस मिल गया है और काफ़ी सारे हाई रिटर्न्स मिलने वाले हैं। यहाँ तक कि इन्होंने ये भी कहा है कि अभी वापस से लिक्विडिटी रिस्टोर करी जाएगी और जो विड्रॉल से बिल्कुल सही चलने वाले हैं। और DAO रीऑर्गेनाइजेशन की भी बात करी जा रही है। DAO का मतलब अगर आपको नहीं पता है, इसका मतलब ये होता है कि एक्सचेंज में जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसमें सारे पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व किया जाएगा या फिर जो भी होल्डर्स होने वाले हैं JPEX के उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। लेकिन इस एक्सचेंज की वजह से हांगकांग का नाम बदनाम हो रहा है, चाइना का नाम बदनाम हो रहा है कि वहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट है सही तरीके से नहीं काम कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है BTC के ऊपर। अगर हम BTC की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से हम अच्छा मूव देख पा रहे हैं, 26,000-27,000 के बीच में BTC की वैल्यू चल रही है। अभी अगर हम बात करें इसका जो रेजिस्टेंस है वो है $27,600 के आसपास। अगर ये रेजिस्टेंस पॉइंट ब्रेक हो जाता है तो हमें एक लंबी रैली देखने को मिलेगी, जिसके बाद $28,000 का एक माइलस्टोन आएगा और फर्दर ये $31,000 तक BTC का प्राइस पहुंचने वाला है। टेक्चन में इस पूरे हफ्ते में काफ़ी सारे इवेंट्स भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से BTC के प्राइस में काफ़ी सारी हमें वॉल्टिलिटी देखने को मिल सकती है। तो अभी हम टारगेट लेकर चलेंगे कि $28,000 से लेकर $31,000 के बीच में BTC की वैल्यू पहुंचने वाली है। अगर हम इससे पीछे वाला पॉइंट देखें, यानी कि अगर इसके सपोर्ट की बात करें तो ये $24,500 के आसपास है, जो कि 26,500 के बाद बनती है। तो यहाँ पे अगर 26,500-26,800 के आसपास प्राइस अच्छे तरीके से बना रहता है तो यही प्राइस मूव $27,000 से ऊपर लेकर जाएगा और हमें अच्छे प्राइस मूव्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि वॉल्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा आने वाली है इसी हफ्ते के अंदर। उसके मेन रीजंस ये हैं कि FOMC की इकोनॉमिक प्रोजेक्शन सामने आने वाली है और ये सब कुछ होने वाला है FOMC के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वेडनेसडे यानी कि परसों के दिन और भी बड़ा इवेंट आने वाला है 20 सितंबर को, जब फेडरल रिजर्व अपना अनाउंस करने वाला है फेडरल फंड्स रेट्स को लेकर, तो जो कि अराउंड 5.5% के आसपास चल रहे हैं। इसी के साथ अनएम्प्लॉयमेंट के क्लेम्स का डाटा भी सामने आने वाला है, जो कि प्रॉबली इंक्रीज हो चुका है, जो कि पहले 220,000 था अभी 222,000 पहुंच चुका है, यानी कि 222,000 के आसपास पहुंच चुका है और ये बुरा इंपैक्ट भी डालने वाला है। लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज़ देखनी कि बुरा इंपैक्ट डलेगा या नहीं डलेगा ये अलग बात है, लेकिन एक्चुअल में मार्केट में वॉल्टिलिटी आने वाली है जिसकी वजह से BTC का प्राइस ऊपर भी जा सकता है। तो वॉल्टिलिटी का कभी भी मतलब ये नहीं होता कि प्राइस नीचे गिरेगा, इसका मतलब ये भी है कि प्राइस में मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है जो ऊपर भी जा सकती है।
जिस कारण मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि BTC के प्राइस में अच्छी वैल्यू देखने मिलेगी, जो कि $27,000 से $28,000 बहुत ही जल्द हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम बाकी ऑल्टकॉइंस की बात करें तो वो भी BTC को फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि BTC की जो डोमिनेंस है वो 49% 50% के आसपास ही रहती है। अगर इतनी ज़्यादा डोमिनेंस रहेगी तो ऑल्टकॉइंस भी इसी के साथ साथ परफॉर्म करने वाले हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट कर दीजिए, जैसे कि शिबा इनू है या फिर कोई और आपका फेवरेट मीम कॉइन है, कोई और अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।